परमात्मा की मेहर बरसती है, उसकी कृपा बरसती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। लेकिन हम इनके पीछे दौड़ दौड़ करके उस परमात्मा को भूल जाते हैं। जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे, ये चीज़ें बिना मांगे आपके पास आएंगी, आप मना करोगे अपने आप आएंगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जहाँ परमात्मा की पूजा होगी, जहाँ उसका ध्यान होगा, जहाँ सुमरण होगा और जहाँ धर्म होगा, ये चीज़ें बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप सारी चीज़ें लाइन में आ करके खड़ी हो जाती हैं। तो खोज किस चीज़ की करें? सबसे पहले खोज करें गुरु की। बिना गुरु की खोज किए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वही एक ऐसा होता है जो परमात्मा तक ले करके जाता है। किस प्रकार से करें? उन्हें तोलिए, देखिए, जीव देखिए, शब्द देखिए, सूरत देखिए, अनुभव, अभ्यास, रास्ता, मार्ग, मंजिल, ज्ञान, परम तत्व, और ये सब चीज़ें अनुभव के आधार के ऊपर होती हैं। भीड़ देख करके कभी भी मत तोलिए। अगर आप भीड़ को तोलने लगोगे, भीड़ को देखने लगोगे, लोगों से प्रेरित हो करके, अरे उसने गुरु उसको बनाया, मैं भी उसी को बनाऊंगा, अगर इस प्रकार से करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। आप फिर गुरु को नहीं ढूंढ रहे, आप और ही किसी वस्तु के पीछे भाग रहे हो जो गुरु के अलावा कहीं और भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो जब, क्योंकि गुरु वो होता है जो जिसका एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है, एक हाथ आप लोगों के हाथ में होता है, तो वो तत्व होता है जो जुड़ाव कर देता है, जो पुल की तरह से कार्य करता है। जब उसकी खोज होगी, वो मिलेगा कैसे? अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों की आवश्यकता होगी, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आजकल गुरुओं की भरमार हो गई है संसार के अंदर, हर मोड़ के ऊपर, हर चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर, हर गांव में, हर शहर में, पाँच पाँच दस दस वस्त्र डाले हुए, कोई काले रंग के, कोई पीले रंग के, कोई गेरुए रंग के, सब तरह के अनंत अनंत, कोई ढाड़ी बढ़ाए हुए, कोई जटाएं रखाए हुए, क्योंकि हमारे संतों ने बोल दिया ना, बहुत पहले बोल करके जा चुके, कलयुग में तो यही चलेगा, कलयुग में यही होगा, कलयुग का यही प्रभाव है कि वो जो ज़्यादा तपस्वी लगेगा, जो दो चार साल खड़ा हो गया, ये लगेगा हाँ ये तो बहुत बड़ा गुरु, अरे बड़ा सिद्ध हो गया। लेकिन आप अंदर में झाँकोगे, थोड़ा गहरे में जाओगे, थोड़ा उन तक पहुँचोगे, तब आपको एहसास होगा, अरे कहाँ पहुँचा हुआ, इन्होंने तो दो कदम भी नहीं उठाया, इन्होंने तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। जब आप उसके अंदर में देखोगे जा करके, क्रोध से भरा हुआ होगा, अग्नि से भरा हुआ होगा, वो खुद भी जल रहा होगा, दूसरे को भी जलाने का प्रयास करेगा, अंदर में इतनी आग होगी, इतना प्रभाव होगा, तो तेज तो उससे ही जल जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर जितना ज़्यादा क्रोध है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ईर्ष्या है, जिसका मन असंतुष्ट है, जो खुद ही तृप्त नहीं, वो दूसरे को, जिसके पास खुद का जल नहीं, जिसकी खुद की प्यास बुझी हुई नहीं है, वो दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकता है? जिसके अंदर में खुद में इतनी कमियां हैं, जो अंदर से खाली हो चुका है, जो अंदर से बिल्कुल खोखा हो चुका है, वो दूसरों को संतुष्ट क्या कर पाएगा? जिसकी आत्मा खुद की इतनी सुकड़ी हुई है, वो इस ब्रह्म को कैसे समझ पाएगा? वो इस संसार के अंदर जो फैली हुई आत्माएं हैं, उनको कैसे समझ पाएगा? वो जो रोम रोम में रमण करने वाला परमात्मा है, वो उसको कैसे अनुभव कर पाएगा? वो इस प्रकृति में कैसे अनुभव कर पाएगा? उसके अंदर जो चल रहा है कि मैं तो 10 साल से खड़ा हूँ, मैं तो 5 साल से खड़ा हूँ, मैंने तो हाथ ऊपर कर रखा है, मेरे तो अगर नाखून कट गए तो फिर तपस्या भंग हो जाएगी, केस अगर काट दिए तपस्या चली जाएगी, ये मात्र भ्रम है सब कुछ। और जो इसको जानते हैं, जो समझते हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, जिन्होंने उस परम तत्व को पा लिया, जिसकी पहचान कर ली, जिसके दर्शन हो गए, जिसका अनुभव हो गया, जो उसमें खो गए, उन्हें आवश्यकता नहीं रहती। तो मीरा हीरा टांग करके निकल गई कि ये महल बनवा लेना,
कह करके वो तो निकल गई। बहुत दिनों बाद फिर चक्कर लगा कि गुरुजी के दर्शन करके आती हूँ, मिल के आती हूँ, अब तक तो महल बना लिया होगा। वो हीरा वहीं टंगा हुआ मिला। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी ये क्या किया आपने, अभी तक कुछ किया नहीं, महल बना लेते। लोग कहते हैं मीरा का गुरु गरीब है। उन्होंने कहा कि लोगों को पता नहीं मीरा का गुरु कितना अमीर है। संतों के पास ऐसी कौन सी दौलत होती है जो ये बोलते हैं कि तीन लोक तक दे देते हैं, कौन सी ऐसी दौलत होती है? वो पैसे में तो नहीं मिलती, वो सांसारिक वस्तुओं में तो नहीं मिलती, हीरे जवाहरात से तो नहीं खरीदी जा सकती। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ये बोलते हैं कि ये तो सब कुछ दातार हैं, को देने के ऊपर आ जाएं तो कुछ भी दे देते हैं। जीवन मुक्ति से बड़ा इस संसार में कोई, इससे बड़ा कुछ उपहार नहीं हो सकता संसार के लिए। क्योंकि एक जीव को भी अगर वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, उस मंजिल तक ले जा करके छोड़ दिया जाए, उस मंजिल पर पहुँचा दिया जाए और वहाँ उसकी झलक करा दी जाए, उसकी स्थिति वहाँ रोक दी जाए, इस आत्मा की वहाँ तक चढ़ाई करा दी जाए, ये संसारिक वस्तुएं इनकी क्या गिनती है वहाँ? वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अनंत अनंत लोक हैं, अनंत अनंत लोक हैं। आपने 14 भुवन सुने होंगे और 3 लोक सुने होंगे, इस पिंड के अंदर अनंत तारे सुने होंगे कि 108 ब्रह्मांड सुने होंगे। ये जब आकाश गंगा के अंदर देखोगे, अभी एक खोज हुई, मैं पढ़ रहा था, नासा ने एक तस्वीर जारी की कि ये मुस्कुराता हुआ सूरज है। शायद आप लोगों ने किसी ने देखी भी होगी कि ये मुस्कुराता हुआ सूरज है, कि उसकी आंखें अलग से दिख रही, चेहरा अलग से बना हुआ, होठ अलग से बने हुए। आज ये नासा भी ये मानने लगी है कि नासा की सूर्य भी, ये आंखें दिख रही हैं, ये फेस दिख रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ प्रभाव हो रहा है। तो इसका ये अर्थ है कि हमारा साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ पहुँचना चाहिए था, जहाँ हजारों साल पहले था, जहाँ करोड़ों साल पहले था। आप इतिहास देखो उठा करके, राम के बारे में देखो, श्री कृष्ण जी के बारे में देखो, अवतारों के बारे में देखो, जीवन शैलियों के बारे में देखो, हमारे पुरातन ऋषियों को देखो, मनुसतरूपा को देखो, वेदों को देखो, आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ सामने आने लगेंगी कि अरे जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कहा है, वो आज सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तक हमारा साइंस अभी नहीं पहुँच पाया, पहुँच जाएगा, आज नहीं तो हजारों साल बाद पहुँच जाएगा, लाखों वर्ष बाद पहुँच जाएगा, लेकिन हमें क्या लाभ होगा उससे, क्योंकि तब तक हम तो जा चुके होंगे, भाग भाग करके जीवन थक चुका होगा, कुछ भी शेष नहीं होगा। क्योंकि जीवन मानव के पास है कितना, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, मुख्यतः आयु जो मानी गई है 60 से 100 वर्ष की मानी गई है। इसमें भी क्या होता है, 20 वर्ष तो पढ़ने में निकल जाते हैं, 10 वर्ष नौकरी ढूंढने में निकल जाते हैं, काम ढूंढने में निकल जाते हैं, कैरियर बनाने में निकल जाते हैं, 20 वर्ष फिर शादी में निकल जाते हैं, फिर अगले 10 वर्ष वो बच्चे बड़े करने में और लालन पालन में, धन संपदा इकट्ठा करने में, आगे का जीवन सुरक्षित करने में, फिर क्या बचा, फिर रोगी शरीर और साथ में कोई नहीं, अकेले छटपटाते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, चीखते रहो, डिप्रेशन में चले जाओ। कुछ लोग आत्महत्या तक चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खो जाते हैं, कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। आज आप संसार की देखो क्या हालत हो गई है।